जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी जगह पर खुश रहें, माँ से यह प्रार्थना भी करते हैं। जब अपने घर में पितृदेव प्रसन्न नहीं होते, तब हमारे घर में पुत्र पैदा होने पर रोक लग जाती है और धन धान्य में भी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। घर में कलह रहना प्रारंभ हो जाता है। कोई भी कार्य जल्दी से बनता नहीं है। आज हम आपको ऐसा एक मंत्र बताएंगे माँ लक्ष्मी जी का। माँ लक्ष्मी जी का यदि यह मंत्र आप करेंगे और विधि के अनुसार करेंगे, तो आपके पितृदेव कैसे भी बंधन में होंगे खुल जाएंगे और आपको दीर्घायु प्राप्त होने लगेगी। अब मंत्र की विधि क्या है? जब आप मंत्र पढ़ेंगे, तब आपने हाथ में जल रख लेना है। एक मंत्र पढ़ने के बाद आपने जल को पीना है, हाथ को धो लेना, फिर थोड़ा और जल डाल लेना। दूसरी बार जल डालोगे, फिर मंत्र पढ़ना है और फिर जल को पी लेना है, फिर हाथ को धो लेना। इसी प्रकार तीसरा यह मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र एक ही है, तीन बार पढ़ना है। तीसरी बार जब पढ़ेंगे, तब फिर जल डाल करके पढ़ेंगे, तब आपने फिर उस जल को पीना है, बस हाथ को फिर धो लेना। मंत्र माँ लक्ष्मी जी का है, रोज तीन मंत्र करने हैं और तीन बार उस मंत्र से जल को पीना है। यदि आप इस प्रकार से कर लेते हैं, तो आपके घर में पितरों का बंधन भी खुलेगा, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होगी, धन और धान्य की प्राप्ति होगी और माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर आने लगेगी। आप निरोग रहेंगे और आपको दीर्घायु प्राप्त होगी। अब मंत्र भी बड़ा आसान है, आप इसे याद कर लेना। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तश्वाश्वेतरी रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष मंतम करो तुम्हें। बड़ा आसान मंत्र है। पुत्र पौत्र आदि को माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रदान करें, धन धान्य प्रदान करें, हमें दीर्घायु प्रदान करें। और यह सब जब माँ प्रदान करेगी, तो बिना पितृदेव के बंधन को खोले हुए प्रदान नहीं कर सकती हैं। पहले पितृदेवों को ही वह प्रसन्न करती हैं। पितृदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर आने लग जाती है और समझ लेना आपके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। कितने दिन करें? बस आप 41 दिन तो कम से कम कर लें, किसी भी समय करें, सुबह सुबह कर लें। एक नियम बना लें, एक नियम बना लें कि आपने तीन मंत्र यह पढ़ने हैं और तीन बार जल को पीना है। आप ऐसा यदि कर लेते हैं, तो यह सभी चीज़ें आपको सुलभता से प्राप्त होने लगेंगी और आपके घर में कभी कलह नहीं रहेगा, प्रेम पूर्वक जिंदगी बसर होने लग जाएगी। आप इसे कर लेना, कभी से भी शुरू कर सकते हैं। किसी दिन छूट भी जाए, तो कभी ना सोचना कि छूट गया और कुछ अनिष्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 41 दिन की बजाय कुछ अधिक भी हो जाए, छूट भी जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा है आप इसे करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। और आपको अच्छा लगता है तो यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।